अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसपे हमने सॉल्व किए थे वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। तो आज हम इसके कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 9, 20, 31, 42। अब हमने ये बताना है कि 42 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो सबसे पहले है 9, इसके बाद आ रहा है 20। इसका मतलब है अगर हम 9 में 11 को ऐड कर लें तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 9 प्लस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 20 के बाद है 31। इसका मतलब है अगर हम 20 में 11 को ऐड कर लें तो सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 20 प्लस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 31। 31 के बाद है 42। इसका मतलब है अगर हम 31 में 11 को ऐड कर लें तो सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अब हमने ये बताना है कि 42 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हर टर्म में हमने 11 ऐड किया तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आती गई। तो इसी तरह हम 42 में भी 11 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 42 प्लस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 53। ये जो 53 है ये इस सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म है और ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 6, 18, 54। अब हमने ये बताना है कि 54 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो सबसे पहले है 2, इसके बाद आ रहा है 6, फिर है 18। इसका मतलब है अगर हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6। 6 के बाद है 18। इसका मतलब है अगर हम इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 18 के बाद है 54। तो इसका मतलब है अगर हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो अब हमने ये बताना है कि 54 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हर टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आती गई। तो इसी तरह 54 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 54 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 162। तो ये जो 162 है ये इस सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म है और ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 7, 13, 19, 25। अब हमने ये बताना है कि 25 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें तो सबसे पहले है 7, इसके बाद आ रहा है 13। इसका मतलब है अगर हम 7 में 6 को ऐड कर लें तो सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 7 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 13। 13 के बाद है 19, इसका मतलब है 13 में हम 6 को ऐड कर लें तो सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरह 19 के बाद है 25, इसका मतलब है 19 में हम 6 को ऐड कर लें तो सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब हमने ये बताना है कि 25 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इन टर्म्स को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ ऐड करना पड़ेगी। तो हमने हर टर्म में 6 को ऐड किया तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आती गई। तो इसी तरह 25 में भी हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। 25 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो ये जो है 31 ये इस सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म है और ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको स्टडी के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।